पीछे के दरवाजे की तरफ खड़े थे हाँ। वहाँ पे जो कि हम लोगों ने ये कर रखा था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग किसी गाड़ी को या फिर यहाँ के कर्मचारी प्रशासन को नहीं जाने देंगे। अच्छा। वो लोग कुछ स्टूडेंट आते हैं जो कि और हम लोग को धक्का देंगे और जो कि सारी चीज़ों को हटा के और जो है कि चले जाते हैं और हमें जो है कि हमारे साथ बदतमीजी की जाती है कि तुम लोग यहाँ पे गुंडागर्दी की कर रहे हो, तुम हमें जाने नहीं दे रहे हो। और हमारे साथ उनके कुछ स्टूडेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ सलूक किया, हमें धक्का दे के साइड में कर दिया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा क्या? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदा यादव है। अच्छा, तो उन लोगों ने क्या किया है बताइए। हम लोग जैसे वहाँ पे मतलब रास्ता को रोके हुए थे कि हम गाड़ी नहीं आने जाने देंगे, तो वो लोग जबरदस्ती हमें जो है कि धक्का दे के जो है कि हम सिर्फ वहाँ पे दो लड़कियाँ थी और गमले जोर जोर से उठा के साइड में फेंक दिए, कांच थे, कांच को फोड़ा गया वहाँ पे और हमें जोर से धक्का दे के साइड में कर दिया गया है। फिर उनके प्रोफेसर आए हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आते हो, ये सब क्या कर रहे हो। हमारे साथ ऐसे सलूक उनके स्टूडेंट और प्रोफेसरों ने किया है। मारपीट किसने किया आप लोगों के साथ? मारपीट अभी हमारी महिलाओं के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ धक्का धुक्की हुआ है और इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट थे जो हमारे साथी लोग थे, उन लड़कों के साथ जो है कि मारपीट किया गया है कि एक लड़के को हॉस्पिटलाइज किया अभी किया गया है। कौन बच्चा है वो जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया है? कौन है? कैफ, उसका क्या नाम था? शाहे आलम बेल्ट से यहाँ पर मारा है और उन्हें अभी हॉस्पिटलाइज किया गया। किसने मारा है? किसने मारा है? वही इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो बच्चे आए थे। तो आपस में ही सब बच्चों में लड़ाई हो गई क्या? प्रशासन ने हमारे प्रोटेस्ट को तोड़ने का जो है कि एक जरिया अपनाया था, जो हर हमारे प्रोटेस्ट में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो कि वो आए और हमारे प्रोटेस्ट को जो है कि वो तोड़ दें। अच्छा। तो इनका एक रवैया होता है कि हमारे प्रोटेस्ट को खत्म कर दे। होता है ये जामिया में जब प्रोटेस्ट हुआ है, ये कुछ लोग हैं जो जामिया प्रशासन ही भेजती है इन बच्चों को, वो आते प्रोटेस्ट ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, हमारी डफली तोड़ी है, हमारे बच्चों को मारा है, बेल्ट से चेन लाकर घुमा रहे थे और लाकर मारा है। धमकी देके गए कि प्रोटेस्ट तुम लोग ये करो नहीं तो लोगों को मारेंगे। हमारे साथी तमाम को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। नहीं तो आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमें 100 पॉज क्यों भेजा गया? पांच लोगों को मिला गया, मैं भी उनमें से, और जो प्रोक्टोरियल टीम है वो माफी मांगे क्योंकि उन लोगों ने हमसे बहुत बदतमीजी की है। ये 9 दिनों में जब से हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है हमसे बहुत बदतमीजी से वो लोग। तो आप लोग किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 5 अक्टूबर को एक इवेंट हुआ था जामिया में जो इजरायली बैक्ड अप इवेंट था। okay. उसके लिए हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद प्रोक्टर ऑफिस से कुछ लोग आते और हमारे दो साथियों को उठा के ले जाते हैं प्रोक्टर ऑफिस। जब उठा के ले जाते हैं उसके बाद वहाँ पे उनको बंद किया जाता है, ताला लगाया जाता है, मारा जाता है अंदर, और हम लोगों के साथ भी बदतमीजी होती है। तो वीसी साहब लोगों की मीटिंग हुई आज वाइस चांसलर से मीटिंग? नहीं, वीसी साहब हमसे मिलने ही नहीं आ रही है, ये पिछले 9 दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा है। ट्राई टू मीट रजिस्ट्रार। हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं 9 दिन से, सबको पूरे कैंपस में सबको पता है। प्रोक्टोरियल टीम से एडमिनिस्ट्रेशन से गार्ड आता है, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके एक एक चीज लेके जाता है, लेकिन तब भी कोई भी नहीं आया है। हम लोग नारेबाजी करते हैं उसमें हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। हम 9 दिन से यहाँ पे है, हमने मार्च किए हैं, भी आदमी हमसे मिले जिसको सस्पेंशन दिया हुआ, उसमें कितनी महिलाएं कितनी लड़कियाँ कितनी? 2 महिलाएं 2 लड़कियाँ 3 लड़के हैं। तो आप क्या करती हैं? अब क्या कर रही जी? मैं भी ह्यूमैनिटीज में हूं। अच्छा, आपको भी सस्पेंशन है? जी जी। और चार नाम और कौन कौन है जिनको? चार नाम, एक गोहर है, एक अबू दर्दा है, अनस है और अर्जुन है। अच्छा, तो आप लोगों का यही डिमांड है कि वो वापस ले एडमिनिस्ट्रेशन में। शोकॉज वापस लेने के बजाय हम पे डीसी बैठा रहे हैं, हमारे घर पे फोन कर रहे हैं, मेंटली बिल्कुल टॉर्चर करके रख दिया है हम लोगों को और हमारे प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से इन्होंने अवॉइड किया है। तब आज हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ वीसी ऑफिस आए, फिर भी वीसी हमसे पर्सनली नहीं मिली है, तो इसीलिए हमने ये सब इनका रास्ता ब्लॉक किया के लिए, जिससे वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैनहैंडलिंग नहीं की गई क्योंकि 98 ईयर हो चुका है जामिया को बने हुए, आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है और जो है कि तुम लोग शर्ट अपने आप से फाड़े हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमने बोला, आरोप लगा हमने रहे बोला कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आपके पास प्रूफ है, आप खुद भी देखो और हमें भी दिखाओ, तो वो हमें वो नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, थैंक यू।